हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। खैर कैसे हो आप सभी लोग, होपफुली भाई सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है किस, ये देखो ये बेवड़ा पता नहीं आप क्यों बैठा रहता है दारू के कैन के पास, बढ़िया। सो किस तरीके से आप लोग जो हर मोबाइल के अंदर असेंडेंट शॉट गन, साथ ही साथ असेंडेंट कंपाउंड बो, मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे देखो ये रही मेरी प्यारी सी शॉट गन, तो ये है मेरी असेंडेंट की शॉट गन। तो इसलिए काफ़ी बंदे मैंने जो है एक्चुअली 2 महीने पहले जब मैंने आर्मर के ऊपर वीडियो बनाई तभी मैंने भूल दिया था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, मैं भूल गया था एज एक्सपेक्टेड एज यूजल जो मैं करता रहता हूँ। सो आज के वीडियो में आपको ये बता रहा, मैं तुम लोग को टेस्ट करके दिखा दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल्स कम नहीं है, मतलब टेस्ट के लिए बहुत डायनोज है पहले पट से। देखो अभी के लिए फिलहाल क्या हालते पोर डायनोज है ये नहीं समझना, क्योंकि ये मैं सेव रिस्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो डायनोज जिंदा रहेंगे इसका मतलब मैंने पोर डायनोज को नहीं मारा है। ये देखो एक शॉट में हम सारे डायनोज को मार सकते हैं। तो काफ़ी बंदे मेरे को इस चीज़ को लेकर पूछते हैं कि किसने पूछा, मैंने तो नहीं पूछा, किसी ने 30 कॉमेंट आए थे, किसी ने नहीं पूछा असेंडेंट की शॉटगन कहाँ से लाई जाए। इसका डैमेज देखो 257 डैमेज था और कहते 2600 ड्यूरेबिलिटी। अब हालांकि सीन ऐसा है कि ये वाली जो शॉटगन है ये मुझे फार्म करने से नहीं मिली है, मुझे डंजन में से मिली है। बट शायद इतनी आपको फार्म इससे तो थोड़ी कम, लेकिन 150 डैमेज तक आपको जो है मीडियम के अंदर मिल सकती है। हार्ड का मेरे को नहीं पता, उसमें होगा 200-300। और इन सब सारी चीज़ों के लिए ना आपका गेम मोड जो कैजुअल होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता दूँ, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता देता हूँ अब इसके लिए मतलब इसमें आप लोग क्या क्या फार्म कर सकते हो इस चीज़ से। तो देखो आप असेंडेंट की शॉटगन, असेंडेंट का बना बनाया हुआ कंपाउंड बो और बाकी चीज़ों का ब्लूप्रिंट मिलेगा, बट बना बनाया कंपाउंड बो मिलेगा, उसका ब्लूप्रिंट नहीं मिलेगा। तो असेंडेंट का कंपाउंड बो बना बनाया हुआ फैब्रिकेटेड पिस्टल या क्या कहते हैं उसे पता नहीं, जो भी कहते हैं फैब्रिकेटेड पिस्टल ही कहता है इसको वो, और साथ ही साथ स्कूबा टैंक ब्ला 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 वो सारी चीज़ें आपको जो है इसमें मिलने वाली है। सो आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप जो इन चीज़ों को इजीली फार्म कर सकते हो। और जैसे कि हमने असेंडेंट के आर्मर की फार्मिंग की थी जस्ट लाइक दैट, हम लोग को वैसे ही करना है। जस्ट केव कौन सी वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले आपको ऑब्लिक जाना पड़ेगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ ब्लू ऑब्लिक, कॉज मैं जो ब्लू ऑब्लिक पे इन चीज़ों के लिए मतलब स्काई लॉर्ड स्ट्रॉन्ग इनके लिए मैं जो ब्लू ऑब्लिक पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। सो इसलिए भाई इतना एक तो ब्लू हो रहा है मुझे, कोई नहीं चलो मैं ब्लू ऑब चला जाता हूँ, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। A few moments later. अभी मैं आ चुका ब्लू ऑप के ऊपर। सो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ब्लू ऑप पे, आपको जो है एक बेड लगा लेना है, ठीक है। आप लोग चाहो तो रेड ऑब्लिक भी यूज कर सकते हो, ग्रीन भी जो तुम्हें पसंद है, बट मुझे ब्लू पे ट्रस्ट है तो मैं यहाँ पे आता रहता हूँ और मैं रिकमेंड करूंगा तुम लोग भी यही ले लो, अच्छा यार। सो यहाँ पे आपको एक बेड लगा लेना है, उसका दूसरा बेड आपको लगाना है स्ट्रॉन्ग केव के अंदर, क्योंकि हम लोग चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग केव से ही फार्म करने वाले हैं। एंड मैंने जैसे कि पहले बता दिया इसके लिए गेम मोड कैजुअल होना चाहिए। अगर अब तुम सोच रहे हो मेरा यार कैजुअल नहीं है, तो आप उसे कैजुअल कर सकते हो, लेकिन वापस से मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ, बहुत बंदे बोलते हैं भाई बीच में, देखो बीच में से गेम मोड चेंज नहीं हो सकता, अगर सर्वाइवल है हार्डकोर है जो भी आपका है वो वही रहेगा, सर्वाइवल होता है कि पता नहीं, बट जो भी हार्डकोर वो ही कैजुअल के लिए आपको वापस से पूरा गेम स्टार्ट करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, बट कोई नहीं। ये देखो ये वो केव है, इसकी लोकेशन भी तुम लोग को सही से दिखा देता हूँ। देखो ये स्काईलॉर्ड बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग केव आपको कंप्लीट करनी होगी, ये उसकी लोकेशन है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आओ इस केव को कंप्लीट करो। इस केव को कंप्लीट करने के बहुत सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ अंदर नहीं घुसना है भाई, बाहर निकल जाओ, वैसे अंदर घुस गया डर आ जाता है। और ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैंने भी बनाया था वो, देख लो हैरी का देख लो, वाइपर का देख लो, मतलब वीडियो देख लो या फिर यूट्यूब पे ढूंढ लो, बहुत बड़ी बात। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ, बट यार मैं बहुत एक चीज़ बोल रहा, हाँ सो मैं कह रहा था वही कि क्या होता है बीच में से गेम मोड जो कैजुअल नहीं होता, इस चीज़ को समझो, आपको वापस से करना पड़ेगा। बहुत बंदे बोलते हैं भाई बीच में से नहीं होगा यार, कुछ भी कर लो बीच में से ऐसी कोई सेटिंग नहीं है, तो बीच में से बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो आपको दोनों साइड एक एक बेड लगा लेना है, एक आपको लगाना है स्ट्रॉन्ग केव के अंदर। तो इन चीज़ों पे मैंने वीडियो बना के रखी है कि किस तरीके से आप केव के अंदर बेड लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में याद से लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना, नहीं दे पाए तो ढूंढ लेना बेस्ट साले। बाकी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो पूरी इन्वेंट्री खाली करनी है, सब स्टेशन वगैरह प्रीमियम तो वो ड्रॉप नहीं होगा। एंड उसके बाद आपको करना है फास्ट ट्रायल, अभी पहले अपडेट में ऐड आती थी अभी आती भी नहीं है। सो अभी आपको क्या करना है, अभी स्ट्रॉन्ग केव पे आपको जो स्पॉन लेना है, जस्ट आपको यही करते रहना है जो कि हमने असेंडेंट आर्मर के टाइम किया था, जस्ट सेम आपको वही जस्ट लाइक दैट आपको करते रहना है। और इससे आप लोग जो इजीली, मैं बता ही देता हूँ पूरी अभी से कर दूंगा तो आगे वीडियो कौन देखेगा। सो देखो अभी क्या करना है, पहले इसको उठने दो भाई, और हम लोग का शेफ स्टेशन ड्रॉप तो नहीं होगा, रुको मैं देखने दो, ये देखो क्योंकि प्रीमियम आई टी, वैसे वो हैड भी प्रीमियम थी बट वो उसको लगाई थी फ्लैग आर्मर, आई थॉट कि हो गया कुछ तो रहने दो भाई। सो हो या फिर उसके बाद आपको आर्टिफैक्ट लेना है, आर्टिफैक्ट लेने के बाद आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको मर जाना है, जो कि हम लोग गेम में रोज करते ही रहते हैं, एक आध बार तो मर ही जाते हैं। सो ये भाई आप
ओके, तो इन सब भी मार खा लेनी, सिंपली ये लोग आपको मार देंगे। और इसीलिए मैंने बोला कि गेम मोड आपका कैजुअल होना चाहिए। क्यों? तो जब आप मरोगे कैजुअल में तो आर्टिफैक्ट वगैरह आपके पास ही रहता है। कैजुअल का कहना ऐसा होता है कि आपके पास जो मतलब वेपन्स वगैरह होते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेन मतलब रिसोर्स को छोड़ के बाकी चीज़ें आपके इन्वेंट्री में रहती है मोस्टली। अभी सही से मुझे नहीं पता, गलत हो गया तो सॉरी, बट इतना तो मेरे को पता है, इतना होता है। और बाकी हार्डकोर वगैरह तो तुम लोग को पता है, सर्वाइवल या जो भी उनके क्या गेम मोड्स होते हैं मैं खुद ही भूल गया हूँ। हार्डकोर इसमें डिफिकल्टी में आता है नहीं, हार्ड आता है, ब्रूटल। हाँ, हार्डकोर वगैरह गेम मोड होता है एक्चुअली, सर्वाइवल, हार्डकोर, आई थिंक और क्या, कैजुअल और एक और कुछ तो होता है ना, पता नहीं, बट या तीन ही होता है। पता है मैं इन चीज़ों को लेकर इतना कन्फ्यूज क्यों होता है, मैं इतना नूब हूँ कि मैं 1.5 साल से हार्ड खेल रहा हूँ ना। शायद मैं हूँ, पता नहीं, बट क्या होते हो गए। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिंपली जो इसे ट्रिब्यूट कर देना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद आपका सामान ऐसे करके ऊपर चला आता है और बाद में जो ओवरसीयर ऊपर बैठा रहता है तुम लोग से आर्टिफैक्ट लेके तुम्हें सामान देने के लिए। जस्ट उसके बाद वेट करो तुम लोग, ये जो देखो ट्रिब्यूट एक्सेप्टेड और आपको जो गिफ्ट्स मिल जाएंगे, वेट करने की जरूरत नहीं होती, बट तुम्हें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम लोग को स्कूबा मास्क भी तो फ्री में मिल जाता है, और साथ ही साथ तुम लोग को देखो इसके क्या होते हैं असॉल्ट राइफल की मेरे को ये भी मिल गई, मास्टरवर्क कुछ सैडल्स। सो इस तरीके से आप लोग जो फार्मिंग कर सकते हो, बट डोंट वरी, जब तक असेंडेंट की शॉटगन नहीं मिलती मैं तुम्हें सही से दिखाते रहूँगा, वरना तुम बोलोगे इसमें असेंडेंट की शॉटगन तो है ही नहीं, तो बेफालतू डिसलाइक करके चले जाओगे। देखो मैं ग्राफिक काम करता हूँ, लो कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे हम ट्रिब्यूट ही मार रहे हैं तो कौन से ग्राफिक मैटर करता है ना। सो वापस से आपको जस्ट यही प्रोसेस आपको करती रहनी है। जस्ट मेक श्योर कि आप एक काम करो, आपको पहले देखो गेम मोड क्या है, कैजुअल आपको पता होना चाहिए, वरना बाद में बोलोगी कुछ बंदे मेरे को बोलते कि क्या हालते हैं भाई मेरा गेम मोड कैजुअल, उसके बाद आर्टिफैक्ट नहीं आ रहा। तो देखो उस पर एक बंदे ने तब मेरे को बताया, किसने बताया था मैं नाम भूल गया, सॉरी, वरना मैं क्रेडिट्स भी दे देता, बट मैं नेम भूल गया। सो एक काम, इस बार ये नहीं क्या वो एंगलर वाली? हाँ, मेरे को पता है पहला एंगलर जो है क्या बल्ब डॉग, मेरे को लगा मैं उस एक बार टेम करने के बाद में हैरी ने बताया वो बल्ब डॉग नहीं होते। और वो छोड़ो, सो मैं कह रहा था कि एक बंदे मेरे को बोला कि शायद आप लोग क्या करते होंगे, आप लोग जो है मरने के बजाय ऐसे आर्टिफैक्ट लेके आप वापस फास्ट ट्रैवल कर देंगे, तो फास्ट ट्रैवल करने के बाद आर्टिफैक्ट इन्वेंट्री में नहीं रहा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने यही देखा, अगर कौन सा ग्लिच वर्क करता मुझे नहीं पता, बता दो तुम लोगों क्या चाहिए, बट मेक श्योर आपका गेम मोड कैजुअल हो। उसके बाद जो है आपको जो है सबसे पहले क्या करना, मार लो भाई तुम इस टाइम ना, मेरा ड्रेन हो गया था ना, उनने किया कि मेरे हो गए, पता नहीं इनकी कोई एबिलिटी थी क्या, पता नहीं। हाँ कोई नहीं, तो मैं वही कह रहा था कि क्या बोलते जाके बेड लगाओ पहले, बेड कैसे केव में घुसना है वो ट्यूटोरियल देखो, बेड लगाओ सही से करो, उसके बाद शॉटगन लो। और मुझे जो शॉटगन मिली है वैसी यहाँ पे आपको मिलेगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मुझे मिली है 257 डैमेज की, जो बहुत ज़्यादा है मीडियम के हिसाब से। वाइपर और हैरी को तो लिटरली 300 की मिलती होगी। यहाँ पे देखो कंपाउंड वो भी मेरे को मिल गया, मास्टर का भी होता है और यहाँ पे देखो मेरे को ये फैब्रिकेटेड क्या है, ये पिस्टल का भी मेरे को ये मिल चुका है, तो ब्लूप्रिंट मिल गया था। तो इसी तरीके से आपको करना है, डोंट वरी, हम शॉटगन तक करते रहेंगे, जब तक शॉटगन नहीं मिलता हम वापस करते रहेंगे। जस्ट हर बार आपकी इन्वेंट्री डाल दिया करो, वरना क्या होते हैं वो वेस्ट, वैसे वेस्ट नहीं होगी, आप इतने दो एक मिनट के अंदर तो वापस आ जाओगे, तब तक रह जाती है इन्वेंट्री ड्रॉप बेड के पास ही पड़ी रहती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं वही कह रहा था कि क्या हालते हैरी और वाइपर को तो फिर भी 300 डैमेज वाली शॉटगन मिल गई थी, बट गेम के हिसाब से मेरा नसीब थोड़ा सा बेकार चलता है, उनको एक दो ड्राइव में मिल गई और मुझे लगभग 60-70 बार ट्राई करना है, उसके बाद मेरे को 257 मिली। और हाँ, मरने के लिए ना इनके पास आया करो सीधा, क्या हालते ये लोग थोड़ा रिएक्शन देते हैं, बट उनका एक्शन बहुत दमदार होता है, पानी में बहुत टाइम लग जाता है, और ये बैट्स तो भाई रिएक्शन भी नहीं देते, वैसे ही फेल देते आपको। तो मरने के लिए आसान तरीका, देखो क्या ज़माना आ गया मरने का, तुम लोग को वेज बताने पड़ रहे हैं मेरे को मरने के लिए। हाँ कोई नहीं, सो यही सेम चीज़ करते रहनी है। अभी तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, मतलब इधर तक ही इन्फॉर्मेशन थी और कुछ नहीं था, बट हाँ ये बता दूँ कि लास्ट बार बता दे तो मुझे जो शॉटगन मिली है सेम मीडियम में यहाँ पे मिलेगी कि नहीं मैं उसकी गारंटी नहीं था, बट डंजन के लिए बहुत बंदे पूछते हैं डंजन के लिए कितनी शॉटगन होनी चाहिए, तो मैं मीडियम में पहले 140 डैमेज की यूज़ करता था या 150 की मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं थी मेरी, तो उतने में डंजन हो जाती, बहुत बड़ी बात नहीं। ये देखो मेरे को मिल गया 110 वाली, सो मेरे को भी पहले लगता था कि यार मेरी 140 चलेगी भी कि नहीं डंजन में, बट वाइपर ने मेरे को दिलासा दिया कि मिल चल जाती है, एंड उसके बाद जब मैं ट्राई किया यार इट्स परफेक्टली वर्किंग। सो क्या बोलते हैं तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, तुम लोग यहाँ से तुम लोग 110-120 की भी ठीक है, बट ट्राई करो कि एटलीस्ट 140 प्लस लो यहाँ से, एटलीस्ट ट्राई करो, नहीं हुआ तो 130 इतना स्ट्रेस मत लो, बीपी भी हाई हो जाएगा, रात को आके बंद हो जाएगी। सो क्या बोलते जस्ट जोकिंग, यही तरीका तुम लोगों को करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। होपफुली ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी एंड आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आप लोग आर्क मोबाइल के अंदर इन चीज़ों की फार्मिंग कर सकते हो। सो लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ, इससे आपको क्या क्या मिलेगा। सो इससे आपको मिलेगी असेंडेंट की शॉट, बाप रे आप ज़्यादा पब्लिक नहीं, ओके इससे आपको मिलेगी असेंडेंट की शॉटगन,
उसके बाद आपको मिलेगा असेंडेंट का कंपाउंड, वो बना बनाया हुआ मिलेगा। और इससे पता है फायदे क्या होंगे आपको, वो बाद में रिपीट करता हूँ, पहले फायदे सुन लो। देखो फायदा क्या होगा कि पहली चीज़ आप जो है एशियन एम्बर की फार्मिंग ऐसे होगी, क्योंकि ये जो आपको 10 एम्बर देगी, अगर मिले तो 10 एम्बर मिलेंगे, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, एशियन एम्बर आपको 10 मिलेंगे, क्योंकि पहले वाली ट्रिक तो उड़ चुकी है तो कोई फायदा नहीं। तो 10 एशियन एम्बर आपको इससे मिलेंगे, साथ ही साथ आपको जो है ब्लू प्रिंट्स मिलेंगे अच्छे अच्छे, और करते जाओगे तो और भी उससे भी बेहतर बेहतर मिलते जाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको स्कूबा टैंक वगैरह मिलेगा जिससे आपको पॉलीमर मिलेगा अगर आप ग्राइंड करते हो, एंड कंपाउंड को बनाया बनाया मिलेगा जिसको अगर आप एक ही, ऑफकोर्स आप एक ही रखने वाले हो राइट, तो बाकी बचे हुए आप जो ग्राइंड ही करोगे तो ग्राइंड करोगे तो उससे मेटल बिटल बहुत मिलेगा। तो काफ़ी फायदे बहुत ज़्यादा है, तो कर लो बेटर है, और जितना देर हो सके उतना देर करते रहो, तुम लोगों को फायदा ही होगा, ग्राइंड कर पाओगे, मतलब उन चीज़ों को ग्राइंड कर पाओगे, ऐसे ग्राइंड नहीं वैसे ग्राइंड, समझो ना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, तो मैं वही कह रहा था कंपाउंड वो मिलेगा बनाया बनाया हुआ, असेंडेंट शॉटगन का ब्लू प्रिंट, फैब्रिकेटेड वाला पिस्टल का ब्लू प्रिंट, और क्या था असॉल्ट राइफल का ब्लू प्रिंट, और जो जो मेरे को चीज़ें मिली और उससे ज़्यादा नहीं, और कुछ कंपाउंड वगैरह मिलता है। बाकी अगर आपको जानना है कि असेंडेंट आमा की फार्मिंग कैसे की जाती है, अगर आप डंजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता असेंडेंट आमा क्या होता है, तो वो एक आर्मर का जो है अच्छा हाई लेवल का स्टेज होता है, जो आपको बहुत पावरफुल आर्मर देगा जिसे डायनोस बहुत जल्दी तो नहीं तोड़ सकते। नॉर्मल वाला स्पाइनो एक शॉट में तोड़ेगा, असेंडेंट वाला स्पाइनो शायद 100 शॉट में तोड़ दे या उससे भी ज़्यादा या उससे कम, पता नहीं, बट उसके ऊपर डिपेंड करता है आर्मर डिपेंड पर। तो जो न्यू है उनको बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, होपफुली तुम लोग समझ चुके होंगे किस तरीके से आपको इन चीज़ों की फार्मिंग करनी है, साथ ही साथ सूदिंग माम की फार्मिंग वगैरह, आप सबकी लिंक मैं नहीं डालूंगा, पता है मैं भूल जाने वाला हूँ, बेटर है कि तुम चैनल पे जाके सर्च कर लो। बाकी आज के लिए बस इतना है, मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड बता दूँ कि मैं अभी जाने वाला हूँ 7-8 दिन के लिए बाहर, तो वीडियोज थोड़ी कम आने वाली है। होपफुली सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ना देख रहे हो तो जिन लोग ने देखी देख ली, कोई बात नहीं। चलो बाय बाय, मैं आज के लिए बस इतना, मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए टाटा, सी या टेक केयर एंड स्टे होम स्टे सेफ।